गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू LBS। टुडेस लेक्चर नंबर थर्ड, चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड 8। टॉपिक इज वीड्स। व्हाट इज वीड्स? लेट अस सी। इन अ फील्ड मेनी अदर अनवांटेड प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। जो क्रॉप होते हैं उनके साथ अनवांटेड प्लांट क्या हो जाते हैं? ग्रो हो जाते हैं, नेचुरली ग्रो हो जाते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? वीड्स कहते हैं। ठीक है, सिंपल ग्रास, वाइल्ड ओट्स, ये सब क्या है? अनवांटेड प्लांट है जो हमें नहीं चाहिए, पर वो क्रॉप के साथ क्या हो गए? ग्रो हो गए, तो उसे हम क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। ओके, सो सेकेंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वीड्स। तो इससे क्या डिसएडवांटेज है अपने को, क्या नुकसान है? तो कंपीट विथ मैन क्रॉप फॉर न्यूट्रिएंट, सनलाइट, वाटर। ये क्या करते हैं कि जो हमारे क्रॉप को न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, सनलाइट मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए, उसके साथ कंपटीशन करते हैं और उसका यूज़, न्यूट्रिएंट्स का यूज़, सनलाइट का यूज़, वाटर का यूज़ ये भी करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो क्रॉप होती है वो क्रॉप, हमको जितनी मात्रा में क्रॉप चाहिए उसकी मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। ओके, वो अच्छी क्रॉप नहीं होती है, क्योंकि क्या होते हैं उसमें? वीड्स होते हैं। वो जो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को चाहिए वो भी ले लेते हैं, सनलाइट भी यूज़ करते हैं, वाटर भी यूज़ करते हैं, तो क्रॉप को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो सनलाइट चाहिए, वो वाटर चाहिए, उतनी मिल नहीं पाती। ओके, सो ये क्या है? डिसएडवांटेज है। ओके, नाउ खुरपी। खुरपी क्या करती है? तो इट इज यूज फॉर अ रिमूव वीड्स। हम क्या करते हैं? खुरपी से वीड्स को रिमूव कर देते हैं। ओके, वीड्स निकल जाएगी तो क्रॉप को वाटर भी अच्छा मिलेगा, सनलाइट भी अच्छी मिलेगी ना, और न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे मिलेंगे, तो हमारी क्रॉप क्या होगा? बहुत अच्छी होगी। ओके, तो खुरपी से क्या करते हैं हम? ये क्या है? टूल है। क्या करती है ये? वीड्स को रिमूव करने के काम आती है। ओके, ना वीड्साइड्स। वीड्साइड्स क्या करती है? तो वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीड्साइड्स। हम वीड्स को कंट्रोल करने के लिए केमिकल भी डाल सकते हैं। जो केमिकल डालते हैं जो वीड्स को कंट्रोल करती है, इस केमिकल को हम क्या कहते हैं? वीड्साइड्स कहते हैं। ओके, तो केमिकल से भी हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, उसके बाद हम उसे काटते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। ओके, जब क्रॉप क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाती है, एकदम तैयार हो जाती है। ओके, तो हम उसे क्या करते हैं? काटते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन अवर कंट्री हार्वेस्टिंग इज डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हमारी कंट्री के अंदर ये क्रॉप को काटने के लिए, कट करने के लिए सिकल का यूज होता है। सिकल क्या होती है? ओके, दाती, दाती बोलते हैं, हसिया बोलते हैं इसको, दाती का यूज होता है। बाय अ मशीन, अब तो क्या मशीनों का यूज होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टर। ओके, तो जो मशीन का यूज होता है उसे हार्वेस्टर बोलते हैं, और ये सिकल तो आपको मालूम पड़ गया, दाती, जिससे हम क्या करते हैं? तैयार हुई क्रॉप को काटते हैं। ओके, सेकेंड इज थ्रेसिंग। द ग्रेन सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप कॉल्ड थ्रेसिंग। जब हम क्या करते हैं? क्रॉप को काट लेते हैं तो उसके अंदर से सीड्स को अलग करने की जो प्रोसेस है, ओके, सीड्स को अलग करने की, सेपरेट करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। ओके, आपने देखा होगा कि क्रॉप को काटने के बाद उसे अलग किया जाता है, थ्रेसर से अलग किया जाता है। कितने लोग हाथ से पीट के अलग करते हैं, तो उसमें से जो सीड्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और भूसा अलग हो जाता है। चैप का मतलब क्या हुआ? भूसा हुआ, वो दोनों अलग हो जाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेसिंग। ओके, अब स्टोरेज, यानी हम जो भी क्रॉप को उगाते हैं, ओके, ग्रो करते हैं, उसका स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी क्रॉप होती है जैसे खरीफ, राबी, ये सीजन में ही होती है, एक विंटर में होगी और एक कौन सी रेनी सीजन में होगी, एक रेनी सीजन में होती है, एक विंटर में होती है। तो हमें इसका यूज़ कब तक करना होता है? पूरे ईयर करना होता है,
ओके, फिर साल करना होता है तो इसको क्या करना पड़ता है, स्टोरेज करना पड़ता है। ओके, अब स्टोरेज करने के लिए भी हमें इन्हें क्या करना पड़ता है, रैट्स और इंसेक्ट्स से बचाना पड़ता है। ओके, तो हम इसे कहाँ स्टोर करते हैं, सिलोस एंड ग्रेनरीज में। कहाँ पे, सिलोस एंड ग्रेनरीज में। तो लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोस। ओके, लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोस एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। ओके, तो रैट्स और इंसेक्ट्स से बचाने के लिए हम इसे सिलोस एंड ग्रेन्स में क्या करते हैं, रखते हैं, स्टोर करते हैं। ओके, और पूरे ईयर हम इसका यूज करते हैं। लास्ट इज दैट एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स एनिमल रियर्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो ऐसी जगह जहाँ पे पशुओं को पाला जाता है, बहुत सारे लार्ज स्केल में पशुओं को पाला जाता है, एनिमल्स को पाला जाता है, ठीक है, और उन्हें प्रोवाइड किया जाता है प्रॉपर फूड, शेल्टर, रहने की जगह, उनकी केयर की जाती है, तो ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा एनिमल्स को पाला जाता है और उन्हें खाने के लिए फूड दिया जाता है, उन्हें रहने के लिए जगह दी जाती है, उनकी केयर की जाती है, तो ऐसी जगह को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।